I love camera, whether it's a big screen or a small screen. मैं बड़े स्क्रीन पे आया, लेकिन देखते-देखते ये छोटा पर्दा सारी दुनिया पे छा गया. कहाँ नहीं, all over the world, हर घर में और हर किसी के अप्रोच है, हर कोई देख सकता है. बेचारे जो सिनेमा हॉल में जाके टिकट नहीं खरीद सकते, उनको घर बैठे इतनी अच्छी एंटरटेनमेंट मिल रही है. तो मेरे लिए तो ये पर्दा उस वक्त होता तो कितना अच्छा था, जब मैं छोटा था, जब मैं गरीब घर में पैदा हुआ, उस वक्त मुझे ये देखने को मिलता तो बड़ी अच्छी बात होती. जज बनना कोई मुश्किल नहीं है. अभी हम लोग जाते हैं पिक्चर देखने जाते हैं, ना तो हम राइटर हैं, ना हम एक्टर हैं, ना हम म्यूज़िक डायरेक्टर हैं, ना हमें कुछ भी नहीं आता नहीं फिल्म के बारे में, ABC नहीं जानते. लेकिन बाहर निकलते हैं, हम बोलते हैं यार बड़ी बकवास फिल्म है, अरे फिल्म बड़ी अच्छी है, अरे म्यूज़िक क्या है, अरे क्या एक्टिंग की है. तो आई थिंक मालिक ने हर किसी को एक दिया है एक कुछ खास चीज़ जज करने की, दैट इज़ द इंस्टिंक्ट. गॉड हैज़ ब्लेस्ड एवरीबॉडी विद एन इंस्टिंक्ट टू जज, तो बड़ा ईजी जज हो जाता है. हाँ, ना करते वक्त थोड़ी कोफ्त होती है यार कि ये अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि मैं भी कभी कंटेस्टेंट था. अच्छा तो अच्छा लग ही जाता ना, जैसे मैंने बताया कि हम फिल्म अच्छी फिल्म को अच्छी कहेंगे ना. तो बहुत आते हैं, इंडियाज गॉट टैलेंट की खूबी ये है कि इसमें कोई एज बार नहीं है, बच्चे से लेके बड़ा आप भी आ सकते हैं. और यहाँ सिर्फ ये नहीं कि डांसिंग है या सिंगिंग है, किसी किस्म का भी टैलेंट है जिसको जो आता है आके स्टेज पे बताए, ये बहुत खूबी की बात है. मुझे एक बच्चों का एक सालसा था, बहुत अच्छा लगा, आई वॉज रियली सो ब्यूटिफुल प्लॉस. देन जापान से एक लेडी आई हुई है, उड़िया उड़ीसा, उन्होंने यहाँ आकर हिंदी सीखी और उड़िया डांस सीखा, और व्हाट ए परफॉर्मेंस. खेर जी तो मेरे साथ, शी वॉज माई हीरोइन, अपने वेरी नाइस पर्सन, बड़ा अच्छा लगता है उनके साथ. और दिस शो इज बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ अबाउट ए टैलेंट, एंड आई वॉज ए कॉन्टेस्टेंट वंस, तो मुझे लगा कि क्यों ना इसको आजमाया जाए.